हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज देखिए, मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ और इस स्टोरी का टाइटल है बनियान ट्री एंड द रीड्स। रीड्स का मतलब होता है एक तरह का घास जो कि बिल्कुल दिखने में गन्ने के पौधे की तरह होता है, तो उस तरह का, यानी वो गन्ने का पौधा नहीं होता है बट बिल्कुल सेम उसी तरह का होता है। जैसे कि मैं आप लोगों का भी पिक्चर में दिखा देती हूँ, ये देखिए इस तरह का वो पौधा होता है, यानी इसे एक तरह का घास बोलते हैं। तो आइए इसे रीड करते हैं। इन अ फॉरेस्ट, यानी एक जंगल में, अ ह्यूज बनियान ट्री एंड सम रीड्स ग्रो साइड बाय साइड। यानी एक जंगल में अ ह्यूज, ह्यूज मतलब होता है बड़ा, यानी एक बड़ा सा बनियान का, बनियान यानी बरगद का पेड़, और सम रीड्स यानी कुछ, रीड्स यानी कुछ घास, जो बड़े से घास होता है, जो घास का पौधा है, कुछ घास के पौधे साइड बाय साइड उगे थे, यानी अगल बगल उग गए थे। द बनियान ट्री बोस्टेड दैट इट वॉज मच स्ट्रॉन्गर देन द रीड्स। यानी द बनियान ट्री बोस्टेड, बोस्टेड का मतलब होता है ख़ुद पे फ़ख्र करना, अपने आप पे गुरूर करना, यानी वो बनियान ट्री जो है ख़ुद पे बहुत फ़ख्र करता था। दैट इट वॉज मच स्ट्रॉन्गर, कि ये बहुत ताकतवर था, स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर था, देन द रीड्स यानी उस घास के मुकाबले वो बहुत ताकतवर था। वन डे, एक दिन, अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो मेकिंग द रीड्स बैंड टू द ग्राउंड। यानी एक दिन एक तेज़ हवा चली मेकिंग, बना दिया द रीड्स यानी रीड्स जो उस घास को बना दिया या कर दिया बैंड, यानी उस घास को झुका दिया, टू द ग्राउंड यानी ज़मीन पे झुका दिया। लुकिंग एट इट, ये देख रहा, द प्राउड बनियान सेड, यानी ये देख रहा और प्राउड मतलब घमंडी या फ़ख्री, इस तरह से इसका मीनिंग है। फ़ख्रिय बनियान मतलब फ़ख्रिय बरगद ने कहा, यू आर सो वीक एंड फेबल दैट यू बैंड योर हेड इन फियर। मतलब यू आर सो वीक, तुम बहुत कमज़ोर हो और बहुत नाजुक हो। फेबल मतलब कमज़ोर, नाजुक, इस तरह से इसका मीनिंग है। बहुत नाजुक हो के तुम झुका देते हो, बैंड मतलब झुका देते हो डर से, यानी फेयर मतलब होता है डर, यानी डर में, खौफ में अपना सर झुका देते हो। एवरी टाइम यानी हर वक्त, द विंड ब्लोज यानी हर वक्त हवा चलती है, लुक एट मी मेरी तरफ देखो, आई एम सो स्ट्रॉन्ग दैट आई कैन स्टैंड अपराइट इवन इन द स्ट्रम। स्ट्रम मतलब होता है तूफान, यानी आई एम सो स्ट्रॉन्ग कि मैं बहुत मज़बूत हूँ कि आई कैन स्टैंड, मैं खड़े रहता हूँ अपराइट, सीधे खड़े, अपराइट मतलब होता है सीधे खड़े रहता हूँ, इवन इन द स्ट्रम यानी तूफान में भी सीधे खड़े रहता हूँ। वन डे, एक दिन, अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो मेकिंग द रीड्स बैंड टू द ग्राउंड। यानी एक दिन बहुत तेज़ हवा चली, मेकिंग बना दिया द रीड्स बैंड टू द ग्राउंड, यानी उसको, जो घास था उसको ज़मीन पे झुका दिया। द ट्री लाव्ड एट इट यानी इसकी तरफ, यानी इसकी तरफ ट्री जो है, दरख्त जो है वो इसकी तरफ हंसा, एंड सेड और कहा, नो स्ट्रम कैन हार्म मी यानी स्ट्रम जो तूफान है वो मेरा नुकसान यानी मेरा मुझे हार्म नहीं पहुंचा सकता, मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ऑल ऑफ अ सडन यानी ऑल ऑफ अ सडन का मतलब होता है अचानक से अ वेरी माइटी स्ट्रम बिगेन टू ब्लो अप रूटिंग द ह्यूज बनियान ट्री। यानी अ वेरी बहुत यानी एक बहुत ताकतवर, माइटी मतलब होता है ताकतवर, तूफान शुरू हुआ। ब्लो मतलब होता है चलना, यानी बहुत तेज़ तूफान चलना शुरू हुआ। अपरूटिंग का मतलब होता है जैसे जड़ से उखाड़ना, अपरूटिंग मतलब जड़ से उखाड़ना। अपरूटिंग द ह्यूज बनियान ट्री यानी उखाड़ने लगा, बड़े से, ह्यूज मतलब बड़े से बरगद के दरख्त को उखाड़ने लगा।
गुड गॉड यानी अच्छा खुदा, यानी अच्छा खुदा साइक द रीड्स, यानी जो रीड्स है यानी जो घास है उसने आहें भरी, उसने जो है अपना दम भरा, के साइक का मतलब होता है दम भरना, आहें भरना उसका मतलब होता है, यानी अच्छा खुदा इस तरह से जो है उसने आहें भरी कि अच्छा खुदा, यानी जैसे ही उस तूफान ने उस बनियान ट्री को जो है उखाड़ फेंका तो उसे तो जो रीड्स है यानी ये जो रीड्स यानी जो घास है उसने आहें भरी कि गुड खुदा अच्छा खुदा उसने आहें भरी। वी आर बेटर यानी हम लोग अच्छे हैं, वीक यानी कमज़ोर, हम लोग अच्छे कमज़ोर हैं, एंड स्मॉल और छोटे हैं। वी कैन बैंड बट वी डोंट ब्रेक, मतलब हम लोग अच्छे हैं कि हम लोग कमज़ोर हैं और छोटे हैं। वी कैन बैंड मतलब हम लोग बैंड हो सकते हैं कि हम लोग झुक सकते हैं, बट लेकिन वी डोंट ब्रेक मतलब कि हम लोग झुक सकते हैं लेकिन टूटते नहीं हैं, लेकिन हम लोग टूटते नहीं हैं। तो आई थिंक कि आप लोगों को इसका मतलब समझ में आया होगा कि एक बनियान ट्री था जो बहुत ही घमंडी है, यानी ये जो बनियान ट्री है ये बहुत ज़्यादा घमंड करता था कि वो ताकतवर है, बहुत ही स्ट्रांग है, और ये जो घास है बहुत ही कमज़ोर है, बहुत ही वीक है, बहुत ही कमज़ोर है, बहुत ही नाजुक है। तो इसलिए जो है ये बनियान जो ये जो बरगद का पेड़ है इसको देख के हंसता था और इसको बोलता था कि तुम बहुत ही कमज़ोर हो इसलिए तूफ़ान में तुम झुक जाते हो, लेकिन मैं बहुत मज़बूत हूँ, मैं नहीं झुकता। तो जब एक बहुत ही भारी तूफ़ान जब आया, जब ये टूट गया तो इसने आहें भरी तब, और इसने सोचा कि बहुत अच्छा है कि हम लोग कमज़ोर हैं, छोटे हैं, हम लोग बैंड हो जाते हैं, हम लोग झुक जाते हैं, बट हम लोग टूटते नहीं हैं। तो आइए इसका मोरल देखते हैं, इसका मोरल देखिए। टू मच प्राइड यानी बहुत ज़्यादा घमंड, लेड्स टू अ फॉल, लेड्स यानी ले जाना, यानी किसी नीचे की तरफ ले जाना, यानी बहुत ज़्यादा घमंड नीचे की तरफ ले जाता है, फॉल मतलब होता है नीचे, यानी बहुत ज़्यादा घमंड बहुत ज़्यादा गुरूर नीचे की ओर ले जाता है, की तरफ ले जाता है। जैसे हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना इतना ज़्यादा घमंड मत करो तो ये तुम्हें बहुत नीचे लेकर चला जाएगा, बहुत ज़्यादा झुका देगा, तो वही लीड्स का मतलब की तरफ ले जाना, यानी वो तुम्हें ले जाएगा नीचे की तरफ। तो आई थिंक आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी हो, और अगर ये स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय।